हे नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वांडरर पाटिल में। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मदद मिली। और आज मैं लेकर आया हूं आपको एक सेक्लूडेड लोकेशन पे जो है मुंबई गोवा हाईवे पर, और ये लोकेशन बिल्कुल महाड़ के नज़दीक है और यहाँ पर एक अमेजिंग वाटरफॉल। तो आपको मैं पहले ये बता दूँ कि जब आप महाड़ की तरफ जाते हैं वहाँ पर एक होटल रिद्देश करके आपको दिखेगा, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है ये वाटरफॉल। और ये रहा वो वाटरफॉल, दिखाई दिया पीछे ऐसे, हाँ। तो अब हम उसे अनकवर करेंगे, आपको ले जाते हैं वहाँ पर। बाकी सारे फ्रेंड्स ऊपर ऑलरेडी जा चुके हैं, मैं भी उन्हें ज्वाइन करता हूँ। आइए मेरे साथ और फॉलो कीजिए मुझे इस जर्नी पे। तो वैसे वाटरफॉल ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि पानी आ रहा है नीचे, आपको जस्ट वो ट्रेल ही फॉलो करना है। और रोड से हार्डली मुझे लगता है 100 मीटर की डिस्टेंस पर होगा, उससे ज़्यादा दूर नहीं है और बिल्कुल हाईवे पर है। तो ये रहा वो हाईवे और ये रहा वो होटल, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, होटल रिद्देश, वहीं से सीधे आना है। चलिए दोस्तों, पहुंच चुके हम वाटरफॉल और ये देखिए सामने आपके, काफ़ी लेंदी है, काफ़ी हाइट से पानी गिर रहा है और थोड़ी रश भी है। मोस्टली यहाँ पर अगल बगल के ही लोग आते हैं। और आप देख सकते हैं आशीष आके पहुंच चुका है, पंकज उसके साथ में, विशाल पीछे है, मैं हूं और मेरे पीछे गौरेश फोटो खींचता हुआ। हाँ, आप यहां पर भी लेट कर आराम से मजे ले सकते हैं और ऐसे एडजॉइनिंग और भी कई वाटरफॉल्स हैं, तो काफी कूल जगह है ये। चलिए ऊपर जाते हैं पानी में उतर कर, ऐसे थोड़ा स्लिपरी तो होगा लेकिन ट्राई करेंगे। ये हमारी थोड़ी मोटी जलपरी एक खाता खाका के सूझ गई है। और काम है माने और भरपूर है, आता ते लोग बघना ते वर्दी केले इंगे तिडे और सॉलिड है। लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है ऐसे जगह पे आए हुए। ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला, ये सीधा यहाँ पे थोड़ा कॉशन लेना पड़ेगा। हाँ।
फोन रख देता हूँ नीचे। फाइनली पहुंच गए। और इसी के साथ हम पहुंच गए ऊपर, और आप देख सकते हो ऊपर का नज़ारा। पानी काफ़ी फोर्स से आ रहा था। यहाँ पर जो रॉक्स है वो काफ़ी नुकीले हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ पर झरना होता है वहाँ पर सालों से झरना बहने की वजह से वो थोड़े स्मूथ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर स्मूथ थे वो स्लिपरी थे। और आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पैर में एक कट आ चुका था ऊपर आते वक्त। छोटा सा हल्का सा माइनर कट था, लेकिन कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर से पानी जब नीचे गिर रहा है और वो पानी की फोर्स देखिए आप, तो काफ़ी मज़ेदार कह सकते हैं। तो हमने भी इस जगह का काफ़ी लुत्फ़ उठाया। मैं जनरली वो आप कोने में जो फ्लो देख रहे हो वहाँ पर जाना मैंने अवॉइड किया, क्योंकि स्लिपरी था और कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं एक कोने में खड़ा रहूं और भीग लूं। और फिर वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट एंजॉय किया फ्रेश वाटर में। और फिर धीरे धीरे हम नीचे आए। नीचे आने का रास्ता भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत ध्यान से नीचे उतरना पड़ा। इनफैक्ट मैं तो आधे से ज़्यादा वक्त नीचे बैठ कर उतरा ताकि मेरा बैलेंस ना लूज़ हो। तो देखिए, मज़े लीजिए आप इस। और वैसे मैं बता दूं कि मैंने इनफैक्ट बैक कैमरा यानी रियर कैमरा ऑन किया था, लेकिन यहाँ पर फॉग इतना ज़्यादा था यानी मिस्ट इतनी ज़्यादा थी जिसके वजह से मेरे कैमरा के लेंस के अंदर भी थोड़ी मिस्ट चली गई। और उसी वजह से इस वीडियो की क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है जितना आप नॉर्मली एक GoPro या DSLR में देख सको। लेकिन जितना हो सका उतना मैंने कैप्चर करने का ट्राई किया। हाँ, हालांकि कैमरा ख़राब नहीं हुआ, वो थोड़ी मिस्ट जम गई थी जो नीचे उतरने के 10-15 मिनट बाद निकल गई। कितना अंदर है, पिछले 10 सेकंड से सांस रोके खड़ा था। मैंने भी ऐसा ट्राई किया कि कितने देर रोक सकता है देख लेता हूँ, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ दो, कैमरा मोड़ देते, नहीं तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और बिकॉज जो रियर कैमरा था उस पर फॉग जमा हुई थी तो उतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं दे रहा था। तो बाकी का वीडियो मैंने फ्रंट कैमरा से शूट करना प्रेफर किया। और आप देख सकते हैं पीछे सारी फैमिलीज इंजॉय करते हुए, छोटे बच्चे इंजॉय करते हुए। और ये रहा वो लैंडस्केप, छोटे मोटे झरने अगल बगल से बह रहे थे तो आप वहाँ पर भी जाकर बैठ सकते हैं। आपको ज़्यादा पानी चाहिए तो जो मैंने अभी दिखाया वहाँ पर जाकर बैठ सकते हो। और ये पूरा लैंडस्केप, और पीछे जो पत्थर देख रहे हो आप ऊपर की तरफ है ना, ये अभी स्क्रीन के राइट में देखिएगा, वहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहिए क्योंकि वहाँ पर जो लीचेस या फिर दूसरे इंसेक्ट्स है वहाँ पर बैठे होते हैं, तो वहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। बाकी तो पूरी जगह बिल्कुल सेफ है, आप देख सकते हैं। तो मैंने अपना कैमरा ट्राइपॉड पे सेट किया और मैं भी बैठ गया झरने में पानी में थोड़ा इंजॉय करने के लिए। और थोड़ी चिट चैट, थोड़ा कॉन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स। और ऊपर से हम देख रहे थे सारे लोग, जो लोग नीचे बैठे थे, जो नीचे एंजॉय कर रहे थे। और बस यही 10-15 मिनट हमने किया। आप भी एंजॉय कीजिए व्यू।
तो अभी ऊपर जाके तो आ गए, नीचे भी घूम लिए, अब थोड़ा अलग से स्पॉट पकड़ते हैं जहाँ पे हम लोग आराम से बैठ के कुछ खा पी सके। तो थोड़ा नीचे उतरेंगे, यानी यहाँ से थोड़ा नीचे उतर के थोड़ा आगे जाएंगे और वहाँ पर कोई स्पॉट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। मुंबई से ऑलमोस्ट 150-180 किलोमीटर्स है और बिल्कुल रोड के बगल में है और ओवर क्राउडेड बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल आइए यहाँ पर, इन्जॉय कीजिए फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। और हाँ, अगर आपको खाना बाहर से लेना है तो ऑपोजिट साइड में होटल है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, हम 2-3 बार यहाँ पर आके जा चुके हैं। और नहीं करना है आपको, आप थोड़े हेल्थ के बारे में रिस्ट्रिक्टिव है, तो घर से खाना लाइए। यहाँ पर काफ़ी जगह है जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जाकर आ चुके हैं वाटरफॉल पे, नीचे आए, हमने थोड़ा स्नैक्स वगैरह किया और अब लंच का टाइम हो चुका है। काफ़ी लोग थे लेकिन ऑलमोस्ट लंच के टाइम पे भीड़ कम हो जाती है और यही बेस्ट पार्ट है। तो आपको आना है तो जैसे मैंने कहा था, महाड़ पे है, महाड़ से थोड़ा पहले एक होटल है जिसका नाम है होटल रिद्देश, वहाँ पर आइए और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट पे है ये वाटरफॉल। तो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन, आप यहाँ पे फैमिली के साथ आ सकते हैं, वहाँ पर वाटरफॉल में इंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पर आने के बाद आप खाना भी खा सकते हैं। तो अभी टाइम हो चुका है खाना खाने का, हम अभी खाना खाने जाएंगे। आई होप यू रियली लाइक द ब्लॉग, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी मदद मिलेगी मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, इट्स बीन गोइंग रियली वेल। इन्जॉय योर संडे, इन्जॉय योर वीकेंड एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।